अभी कुछ वक्त पहले ही तो पता चला था मुझे ये नया सा शब्द, हाई ग्रेड न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर, मेरे लिए एकदम नया नाम। डॉक्टर प्रयोग करते रहे, इलाज करते रहे, लंदन, अमेरिका, मुंबई, मैं इस नई बीमारी के प्रयोग का हिस्सा बन गया था। डॉक्टर्स ने तो सांत्वना भी दी कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं वापस लौट भी आया था। मैं तो एक तेज रफ्तार दौड़ती ट्रेन पर सवार था, जहां मेरे सपने थे, प्लान थे, महत्वाकांक्षाएं थी, उद्देश्य था। मैं पूरी तरह से व्यस्त था, और तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे को थपथपाया। मैंने मुड़कर देखा तो वह उस ट्रेन का टीसी था। उसने कहा, आपकी मंजिल आ गई है, उतर जाइए। मैं हक्का बक्का सा, जैसे झटका लगा हो, सोचने लगा, मेरी मंजिल आ गई है? नहीं, मेरी मंजिल अभी नहीं आ सकती। मात्र 53 साल 3 महीने और 22 दिन ही तो हुए हैं मुझे, और अभी तो अम्मी उतरी थी पिछले स्टेशन पर, और मेरा स्टेशन इतनी जल्दी? नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन उसने कहा, नहीं, यही है आपकी मंजिल, आपको यहीं उतरना है, आपका सफर यहीं तक। हैरतों के सिलसिले सोजे नेहा तक आ गए, हम नजर तक चाहते थे, तुम तो जहां तक आ गए। जिंदगी ऐसी ही होती है, आप सोचते कुछ और है, जिंदगी में होता कुछ और है। मीलों लंबी प्लानिंग, अगले पल का पता नहीं। मैंने तो एक लंबी लिस्ट बनाई हुई थी, इसमें बॉलीवुड था, हॉलीवुड था, फ्रेंच सिनेमा था, लाइफ ऑफ पाई, स्लमडॉग मिलियनेयर, जुरासिक वर्ल्ड, नेमसेक थी। अभी हाल ही में तो एवेंजर्स का स्टार रफेलो मिलने आया था एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करने। बॉलीवुड में अंग्रेजी मीडियम हाल ही में रिलीज हुई थी, लॉकडाउन के चलते वह सिर्फ हॉटस्टार पर ही नजर आई थी। सोचा था उसका भी थोड़ा मजे ले लूंगा, वो भी हिट हो जाएगी, एक और तबका मेरे हुनर का मुझ पर फिर नजर आएगा। कल जब मुझे बहुत तेज दर्द हुआ तो पहले तो लगा कोरोना तो नहीं है, पर तेज दर्द से पिछले 2 सालों में मैं वाकिफ था, ये कैसा होता है। अब तक मैं दर्द को जान गया था, और अब मुझे उसकी असली फितरत और तीव्रता का पता रहता था। दर्द में वैसे भी दिमाग काम नहीं करता, ना किसी तरह की हौसला अफजाई, ना कोई प्रेरणा। पूरी कायनात उस वक्त आपको एक सी नजर आती है, सिर्फ दर्द और दर्द का एहसास जो ईश्वर से भी ज्यादा बड़ा लगने लगता है। जैसे ही मैं हॉस्पिटल के अंदर जा रहा था, मैं खत्म हो रहा था, कमजोर पड़ रहा था, उदासीन हो चुका था, और मुझे किसी चीज का एहसास नहीं था, लेकिन मन नहीं मानता। दर्द के बीच मैं भी यह उम्मीद की लौ जलाती रखना चाहता था। लगता है कि बस चंद पल बाद लौटना है। जिंदगी और मौत के खेल के बीच बस एक सड़क होती है, अस्पताल की निराशा के उलट सड़क पर जब आप दूसरी तरफ देखते हैं तो जिंदगी मुस्कुराती दिखाई देती है। हॉस्पिटल में निश्चितता कहां होती है? नतीजे का दावा कौन कर सकता है इस दुनिया में? केवल एक ही चीज निश्चित है, और वह है अनिश्चितता। मैं केवल इतना कर सकता था कि अपनी पूरी ताकत से अपनी लड़ाई लड़ूं। मैं लड़ा भी, लेकिन मौत यूं धोबी पछाड़ मारेगी इसका पता नहीं था। सफर खत्म होते होते अलविदा कहने के वक्त कैफी साहब की नज़में अपने पर कुछ यूं याद आई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, जैसे मैं गया
ऐसे भी जाता नहीं कोई।